हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिन एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन सेट। जैसा कि नाम से पता है, कॉम्बिनेशन सेट मतलब कॉम्बिनेशन है। इसमें चार पार्ट यूज लिए जाते हैं, ब्लेड नंबर वन, सेकंड बात करें तो सेंटर हेड, और नंबर थर्ड बात करें तो प्रोटेक्टर हेड, और नंबर फोर्थ पे बात करें तो स्क्वायर हेड। इन चार पार्टों को मिला के कॉम्बिनेशन करके हम एक कॉम्बिनेशन सेट बनाते हैं, जिसके अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग पार्ट के अलग अलग यूज होते हैं। और इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जिनके बारे में अभी मैं डिटेल से बात करता हूँ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात कर रहे हैं ब्लेड की। सबसे पहले ब्लेड की बात करें तो सर्वप्रथम बात करेंगे मटेरियल की, कि ब्लेड क्या चीज़ है, कौन से मटेरियल का बना होता है। जैसे कि आपको मैं अभी एक्चुअल में दिखा रहा हूँ, ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट है, जिसमें ये हमारा ब्लेड हो गया, और इसकी बात करें तो ये सेंटर हेड हो गया, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया, और ये हमारा स्क्वायर हेड हो गया। अभी इसमें आप देख रहे हो ब्लेड में यहां पे एक स्लॉट कटा हुआ है। ब्लेड में क्या दिख रहा है आपको? स्लॉट कटा हुआ है। और मटेरियल की बात करें तो ये ब्लेड अलग से ही चमक में आ रहा है और इनका डल मटेरियल नजर आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम जैसे बात कर रहे हैं मटेरियल की, तो जो हमारा ब्लेड होता है, जैसे कि ये हमारा जो ब्लेड होता है, ये हमारा SS का स्टेनलेस स्टील। और सेकेंड मटेरियल की बात करें तो हम टूल स्टील। इन दो टाइप्स के मटेरियलों से हमारा ब्लेड बना होता है, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। और बीच में क्या होता है, इसमें स्लॉट कटा रहता है। स्लॉट किसके लिए? जिससे कि हमारे ये पार्ट इसके ऊपर फिट हो सके। कौन कौन से पार्ट? सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड। अब बात करें नीचे वाले पार्टों की, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड। ये जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्टों का जो मटेरियल है, जैसे कि आपने ये फिगर में जो एक्चुअल में देख रहे हो, ये देख रहे हो इसका स्पेशल शेप है। ये यहाँ पे ऐसे राउंड घूम रहा है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह का मटेरियल अगर हम मशीनिंग करके बनाएंगे तो वो टिपिकल है। ये जनरली कास्टिंग करके बनाए जाते हैं। ये जो पार्ट है हमारे, ये क्या होता है? कास्टिंग से बना होते हैं। कास्टिंग के लिए तो इसमें जो मटेरियल यूज लिया जाएगा वो कास्ट स्टील का होते हैं। ये जो हमारा सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड, इनका मटेरियल क्या हो गया? कास्ट स्टील। अब बात करें ब्लेड की, जनरली ब्लेड 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, और या वैसे दूसरे बोले तो 1 फीट या 2 फीट की लेंथ में जनरली ये मिलते हैं। कौन से सेंट कॉम्बिनेशन सेट की? ब्लेड की लंबाई की बात करें तो। अब पार्ट वाइज बात करें तो जो सर्वप्रथम बात करें कॉम्बिनेशन सेट में, किसकी? सेंटर हेड की। सेंटर हेड में जैसे कि आपको दिख रहा है, इसका जो ऊपर का एंगल है, ब्लेड से ऊपर का एंगल जो बनता है, ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, और जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाला जो एंगल है, इसमें यहां पे देख रहे हो आपको, इसमें ये जो ये वाला एंगल जो कंप्लीट बनेगा 90 डिग्री का, और यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें यहां पे ये लॉकिंग करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू, ये क्या हो गया हमारा? क्लैंपिंग स्क्रू हो गया। क्लैंप किसके साथ कर रहे हैं? इसमें जो स्लॉट कटा हुआ है उसमें, इसमें इसके साथ निप्स आती है, उसके साथ स्लॉट के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। अब सेकंड की बात करें प्रोटेक्टर हेड की, प्रोटेक्टर हेड में पार्टों की बात करें तो ये इसका स्टॉक हो गया, ये यहां पे वही हमारा क्लैंपिंग स्क्रू आ गया क्लैंप करने के लिए। और यहां पे इसमें एक स्प्रिट लेवल लगा होता है, स्प्रिट लेवल। इसमें एक पार्ट क्या हो गया, यहां पे इधर लिख देता हूं मैं आपको, स्प्रिट लेवल, लेवल चेक करता है। और ये हमारे डिस्क हो गई, जिस पर कि डिग्री के ग्रेजुएशन होते हैं। ये हमारी डिस्क हो गई जिस पे ग्रेजुएशन बने हुए हैं, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का इसमें। तो अब हम बात करें एंगल, ये एंगल बन रहे हैं डिग्री के हिसाब से, बोले तो एंगल। अब इसकी जो एक्यूरेसी की बात करें, जो मेजरमेंट करता है प्रोटेक्टर हेड, तो इसका जो मिनिमम मेजरमेंट है वो 1 डिग्री का रहता है। तो अभी जो प्रोटेक्टर हेड की जो हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 1 डिग्री।
अगर हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जब पढ़ने जाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें वर्नियर स्केल लगा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वर्नियर स्केल नहीं रहती, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो यहाँ पे, एक्चुअल में देख रहे हो केवल इसमें डिवीजन है ना कि कोई वर्नियर स्केल है। तो जो हम इससे एंगल चेक करेंगे वो उसका जो एक्यूरेसी रहेगी कितनी रहेगी, 1 डिग्री की एक्यूरेसी रहेगी, 1 डिग्री एक्यूरेसी रहेगी। और जो थर्ड पार्ट स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड में जो ये साइड का एंगल है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है किसके साथ, ब्लेड के साथ, काम क्या करता है 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो किसी भी जॉब को 90 डिग्री में एंगल चेक करेंगे हम इससे, यहां पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जो ये एंगल बन रहा है हमारा ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 45 डिग्री में हम जब भी किसी जॉब को चेक करना है या मार्किंग करना है तो हम इसके माध्यम से 45 डिग्री पे एंगल पे इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें ये जो हिस्सा है ये इसका क्लैंपिंग स्क्रू है जो स्लॉट के साथ कनेक्ट करके इसको ब्लेड को कनेक्ट करता है, ये हो गया हमारा क्लैंपिंग स्क्रू हो गया। और यहां पे ये वही स्प्रिट लेवल दिया हुआ है लेवल चेक करने के लिए, स्प्रिट लेवल। और इसके ऊपर सबसे ऊपर एक इसमें अलग से स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर, इसको हम निकाल के मार्किंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें स्क्वायर हेडों में स्क्राइबर रहता है, अटैच में रहता है, जैसा कि इसमें देख रहे हो इसमें स्क्वायर हेड में यहाँ पे स्क्राइबर नहीं दिया हुआ है, पर जनरली यहाँ पे स्क्राइबर रहता है। इसके लिए इसमें स्लॉट दिया हुआ है वो यहाँ से मिसिंग हो गया है, पर इसके अंदर स्क्राइबर रहता है जिससे निकाल के हम जब भी मार्किंग करना हो स्क्वायर हेड के साथ किसी 90 डिग्री के साथ तो हम इसकी इसको यूज लेते हैं। अब मैं बात करूं कि ये यूज कैसे आते हैं, जैसे अभी मैं सबसे पहले बात करते हैं, हम पार्ट वाइज में आपको बात करता हूं इनके बारे में। अभी जैसे ये देख रहे हो ये हमारा ब्लेड हो गया जिसमें स्लॉट कटा हुआ है, उसके साथ ही हमारा प्रोटेक्टर हेड हो गया। अभी प्रोटेक्टर हेड को हम किसी भी डिग्री में घुमा सकते हैं, देख रहे हो ना ये घूमने के लिए, ये इसमें क्लैंपिंग स्क्रू हो गया जिसके साथ हम इसको क्लैंप करेंगे तो ये ब्लेड के साथ क्लैंप हो जाएगा। अभी इसका जो डिस्क है उस डिस्क को क्लैंप करने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू दिए होते हैं जिसके माध्यम से हम डिस्क को क्लैंप कर सकते हैं। और इधर इसमें देख रहे हो ये स्प्रिट लेवल है जिसमें स्प्रिट भरा होता है और जिसको जो हम लेवल चेक कर सकते हैं, जब हमको किसी चीज एंगल में मेजरमेंट करता है उसका लेवल देखना है तो एंगल इसमें हम यहाँ के इसके माध्यम से स्प्रिट लेवल के माध्यम से इसका लेवल देखेंगे। अब बात कर रहे हैं ये काम कैसे करता है, मान के चलो ये मेरा कोई जॉब है, अभी मुझे इसका एंगल चेक करना है जितने डिग्री का एंगल है इसको हम ब्लेड के, अगर जॉब मोटा है तो उसको स्टॉक के साथ अटैच करेंगे और ब्लेड को अकॉर्डिंग टू जॉब उसके मूवमेंट करेंगे, ये देख रहे हो इस तरह से। और यहां पे इसकी यहां पे ग्रेजुएशन दी होती है, ये 55 डिग्री का एंगल बजा रहा है अभी दिख रहा है आपको, इस तरह से हम इसका एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। या फिर अभी हमको मार्किंग करनी है, मान के चलो हमको 50 डिग्री की मार्किंग करनी है या 40 डिग्री की करनी है या 30 एक्स वाई जेड कोई सी भी, अभी जैसे मान के चलो मैं आपको यहाँ पे हमको 60 डिग्री की मार्किंग करनी है, मैं अभी यहाँ पे इसको 60 डिग्री पे सेट कर देता हूँ, ये हमने 60 डिग्री पे ये यहां से 0 अटैच करेंगे और इसको हमने 60 डिग्री पे अभी फिलहाल सेट कर दिया। अभी मान के चलो मुझे 60 डिग्री की मार्किंग करनी है, जैसे मान के चलो ये मेरा कोई जॉब हो गया, जॉब पे हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से और करने के बाद में हम उस पर मार्किंग कर सकते हैं, ये हमारा 60 डिग्री का अभी जो एंगल बना ये हमारा 60 डिग्री की एंगल में मार्किंग हुई, ये जो अभी एंगल बना ये हमारा हो गया 60 डिग्री, इसके माध्यम से हमने 60 डिग्री की एक्स वाई जेड अभी हम 0 से लेके 180 डिग्री में कोई सी भी डिग्री पे इससे मार्किंग कर सकते हैं और मार्किंग या फिर कोई एंगल बना हुआ उसको मेजर भी कर सकते हैं, जैसे इससे पहले मैंने दिखा आपको एंगल मेजर कर रहे थे, अभी दूसरा तरह का काम क्या हो गया इसका एंगल की मार्किंग कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की बात करें तो एक्यूरेसी की इसकी 1 डिग्री की, पार्ट की बात करें तो इसमें स्प्रिट लेवल है जो लेवल भी चेक कर सकता है, जैसे लेवल चेक करना है तो हम इससे लेवल चेक करेंगे। अब जैसे हम सेकेंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं स्क्वायर हेड के बारे में, ये हमारा स्क्वायर हेड हो गया, ये हमारा ब्लेड हो गया जिसके स्लॉट में भी फंसा हुआ है किसके साथ, क्लैंपिंग स्क्रू के साथ, ये जो एंगल बनना है ये हमारा कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, इधर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो अभी स्क्वायर हेड से हम 90 डिग्री की मेजरमेंट ले सकते हैं और 45 डिग्री की मेजरमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे है स्प्रिट लेवल, जिससे अभी किसी जॉब का हमको जैसे यहाँ पे स्प्रिट लेवल है, जैसे ये जॉब लिया उसका अगर हमें फ्लैटनेस चेक करना है तो स्प्रिट लेवल के माध्यम से उसका पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस हम चेक कर सकते हैं, ये हमारा स्प्रिट लेवल का काम होता है। अब बात करें मार्किंग की,
90 डिग्री है, मान के चलो कोई भी जॉब है हमारे पास, जैसे ये एक्स वाई जेड ये जॉब है, अब इस पर हमको पैरेलल लाइन खींचनी है या 90 डिग्री पे मार्किंग करना है, तो इसके माध्यम से हम 90 डिग्री पे सीधा ऐसे मार्किंग किया, ये 90 डिग्री पे मार्किंग हो गई या पैरेलल लाइन की मार्किंग हो गई, या फिर हमको 90 डिग्री का मेजरमेंट लेना है तो इस तरह से हम इसको 90 डिग्री चेक करेंगे। अगर 45 डिग्री पे मार्किंग करनी है हमको इसके साथ साथ, तो जॉब को लगाया और हमको इसको स्टॉक के साथ और ब्लेड के साथ अटैच किया और ये हमने लाइन खींची, अभी जो हमारा ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये जो एंगल बन गया अभी हमारा कितना का हो गया 45 डिग्री का साथ, किसके साथ बनाया हमने, ब्लेड के साथ और स्क्वायर हेड के साथ, तो क्लियर। अब 90 डिग्री मेजरमेंट करना है, जैसे मान के चलो ये जॉब है हमारा, इसका 90 डिग्री मेजरमेंट करना है, इसको लगाया स्टॉक के साथ, हमने चेक कर लिया भाई हमारा 90 डिग्री का जॉब है, काम किसके साथ हुआ, स्क्वायर हेड के साथ। अभी जैसे इसका कोई अलग एंगल है, 45 डिग्री एंगल है तो चेक करेगा, अब जैसे उसमें यहाँ पे एंगल हमारा इसका 55 डिग्री है तो इसमें मेजरमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हेड काम में लेंगे न कि स्क्वायर हेड काम लेंगे, क्लियर। अब मैं बात करूं थर्ड पार्टी की, बात करें तो सेंटर हेड की, अब सेंटर हेड की बात, अभी नंबर थर्ड पार्टी की बात करें तो हमारा सेंटर हेड, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये 90 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री, ये क्या करता है, किसी भी जो हमारा गोल जॉब है उसका अगर हमें सेंटर निकालना है तो किसके माध्यम से निकालेंगे, सेंटर हेड के माध्यम से। जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास एक जॉब हो गया, ये इस तरह की कोई गोल जॉब है, अभी उसका सेंटर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको इस तरह से रखेंगे जॉब के साथ इस तरह से, और उसके बाद में ये दोनों टच हो गए और यहां से जो लाइन जाएगी ये हमारी सेंटर जाएगी। अभी हम दूसरी साइड से निकाल, इस पर मेजरमेंट लेके आए, ये देखो अभी इस गोल जॉब का जो ये सेंटर है, ये सेंटर निकाला। अभी दूसरा जॉब की बात करें, जैसे मान लो चलो ये मेरे पास कोई पाइप है, अभी मुझे इसका सेंटर निकालना है, ये इस तरह से किया, ये इस तरह से, अब ये हमारा इसका यहाँ पे ये जो सेंटर निकला है, गोल सेंटर, किसी भी जॉब का सेंटर निकालने के लिए किससे काम करते हैं, सेंटर हेड के माध्यम से किसी भी गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं, ऊपर 45 डिग्री और कंप्लीट एंगल 90 डिग्री। अब मैं इनकी थोड़ा थ्योरेटिकल बात करूं तो अब बात करें सेंटर हेड की थ्योरेटिकल में, दिस इज अलोंग विद द रूल यूज फॉर लोकेटिंग सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सिलेंड्रिकल जॉब का अगर हमको मार्किंग करना है तो सेंटर हेड काम में लेंगे। अब बात करें स्क्वायर हेड की, स्क्वायर हेड यूज मेजरिंग फॉर 90 डिग्री एंड अनदर 45 डिग्री विद रूल, रूल के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे, और 90 डिग्री एंड 45 एंड मेजर 90 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल वर्क पीस का, एंड इसका अदर अनदर यूज की बात करें तो इसके साथ जब हम इसको स्क्वायर हेड को सेंटर में लगाए तो किसी जॉब का हम डेप्थ वगैरह मेजर करना है तो डेप्थ मेजर भी कर सकते हैं इसके साथ, एंड एक अनदर यूज बात करें तो मशीन पर जब हम किसी जॉब को 90 डिग्री के एंगल में सेट करना है मशीनिंग करने के लिए, किसके साथ, मशीन वॉइस के साथ जब हम जॉब को क्लेम करेंगे और उसको हमका उसका मेजरमेंट लेना है मिली मशीन पर, तो भाई हमारा जॉब 90 डिग्री में सेट हुआ है नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे हम स्क्वायर हेड काम में लेंगे, तो दिस यूज हो गया। अब हम थर्टिकल की बात करें, अब बात करें हम प्रोटेक्टर हेड की, अब नंबर थर्ड की बात करें तो हम प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड क्या है, प्रोटेक्टर हेड कैन बी रोटेट किसी भी एंगल में, इसको हम रोटेट कर सकते हैं जो भी हमको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, हम किसी भी एंगल में इसको रिक्वायर कर सकते हैं, साथ में ये क्या करता है, हम इसके मार्किंग कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं किसी भी एंगल को, और इसके साथ जो स्प्रिट लेवल है, स्प्रिट लेवल के माध्यम से किसी भी जॉब को हॉरिजॉन्टली प्लेन सेट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेक्टर हेड का काम है। और एक्यूरेसी की बात करें तो ये 1 डिग्री की 1 डिग्री एक्यूरेसी में हमें किसी भी एंगल को इसके माध्यम से हम मेजर करेंगे, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन सेट की सारे अलग अलग पार्टों के यूज हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं इनके क्वेश्चन स्कीम के ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो अभी मैं उनके बारे में बात करता हूं। अब हम कॉम्बिनेशन सेट के बारे में डिटेल में तो हम पढ़ लिए, तो अभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो जनरली आए जाते हैं कॉम्पिटिशन में, या फिर हमारे आईटीआई के सिलेबस की बात करें तो
अलग अलग पार्टों पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, कॉम्बिनेशन सेट में विच पार्ट यूज ऑफ स्क्राइबर, कौन से पार्ट के साथ स्क्राइबर यूज लिया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि स्क्वायर हेड जो हमारा होता है उसके यहाँ पे एक स्क्राइबर होता है जो मार्किंग करने के लिए काम आता है, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, स्क्वायर हेड, क्योंकि सेंटर हेड है, प्रोटेक्टर हेड है और ब्लेड, इनमें तो कोई स्क्राइबर होता नहीं, स्क्राइबर कहाँ पे होता है, केवल स्क्वायर हेड में, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, स्क्वायर हेड। क्लियर। अभी हम जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, दीज एंगल कैन मेजर्ड विच पार्ट कॉम्बिनेशन सेट, कौन कौन इसमें एंगल कौन कौन से पार्ट के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 120 डिग्री का जो एंगल है, अभी हमको पता है प्रोटेक्टर हेड से हम कोई सी भी डिग्री का एंगल मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, प्रोटेक्टर हेड। इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो प्रोटेक्टर आएगा। 110 डिग्री का एंगल चेक करना है, 110 डिग्री का एंगल, तो हम किससे चेक करेंगे, प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से। अभी यहाँ पे जैसे अभी गोल जॉब आ गया है, राउंड जॉब है, अभी इसका हमको सेंटर चेक करना है, सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए किसके साथ करना है, आपको सेंटर हेड के साथ ब्लेड के साथ लगाना है और उसके साथ ब्लेड के साथ मार्किंग करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इन दोनों के साथ तो आ गया हमारा प्रोटेक्टर हेड, इसके साथ क्या आएगा हमारा, सेंटर हेड। अभी जैसे थर्ड जॉब की बात करें, 90 डिग्री का एंगल है, अब 90 डिग्री का एंगल हम किसके साथ मेजर कर रहे हैं, स्क्वायर हेड के साथ, ब्लेड के साथ, जब हम 90 डिग्री का एंगल लगाएंगे तो इस तरह से जो एंगल बनेगा वो किसका बनेगा, स्क्वायर हेड का, तो 90 डिग्री हम किससे चेक कर रहे हैं, स्क्वायर हेड से। यहां पर हम किससे चेक कर रहे हैं, स्क्वायर हेड से हम 90 डिग्री का एंगल चेक करेंगे। और 45 डिग्री का एंगल, ये देख रहे हो इसमें 45 डिग्री का भी एंगल रहता है, तो 45 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों एंगल किससे चेक हो जाएंगे हमारे, स्क्वायर हेड से। अभी इधर आ गए हम लास्ट जॉब की बात करें, तो इसमें 100 डिग्री का एंगल है, 100 डिग्री का एंगल तो स्क्वायर हेड से चेक नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वापस प्रोटेक्टर हेड यूज लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, प्रोटेक्टर हेड। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्क्वायर हेड 4, स्क्वायर हेड का यूज क्या क्या कर रहे हैं, अभी जो अभी इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर हेड 90 डिग्री डिग्री और 45 डिग्री, तो अब इसमें आंसर में क्या आया हमारा, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। अभी इसमें फर्स्ट मैं ऑप्शन में क्या 90 एंड 60 तो चेक नहीं कर सकते स्क्वायर हेड से, 90 एंड 45 डिग्री ये करेक्ट आंसर है, 30 एंड 45 डिग्री, 45 तो होगा पर 30 नहीं होगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, 60 नहीं होगा 45 होगा, यहाँ 45 होगा पर ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी आर, क्योंकि बी में 90 एंड 45 दोनों डिग्री के एंगल मैच करते हैं किसके माध्यम से, स्क्वायर हेड के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रोटेक्टर हेड यूज 4, प्रोटेक्टर हेड किसके लिए यूज कर रहे हैं, कोई सी भी डिग्री का एंगल मेजर करने के लिए एंड मार्किंग करने के लिए, तो इसका आंसर क्या करेगा, एनी एंगल एंड कैन मेजर एंड मार्किंग किसके माध्यम से, प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा पार्ट है जो कॉम्बिनेशन सेट में यूज नहीं आता, नीचे ऑप्शन में दे रखे हैं स्टॉक, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड हमारा काम आता है, सेंटर हेड काम आता है और प्रोटेक्टर हेड काम आता है, और एक चौथा पार्ट क्या होता है, ब्लेड काम आता है, पर स्टॉक काम में नहीं आता, इसका आंसर क्या होगा, स्टॉक। ये पार्ट कौन सा है जो इस कॉम्बिनेशन सेट में यूज नहीं आता है, स्टॉक, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, स्टॉक। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, स्क्वायर हेड विच मेटेरियल मेड, स्क्वायर हेड कौन से मेटेरियल का बना होता है, जैसे इससे पहले मैंने बताया था कास्ट स्टील, कास्टिंग का बने हुए हैं, ढलाई हुआ है, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, कास्ट स्टील, इसका आंसर क्या रहेगा, कास्ट स्टील। अगले जॉब की बात करें तो प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितने डिग्री में एंगल से हम मेजर कर सकते हैं, इससे पहले बताया था 1 डिग्री की एक्यूरेसी में, प्रोटेक्टर हेड का काम क्या है, 1 डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल मेजर करेगा। और अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस मेजर कौन से पार्ट से हम कॉम्बिनेशन सेट के हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्प्रिट लेवल जो देख रहे हो ना आप, स्प्रिट लेवल लगा हुआ है इसमें भी, स्क्वायर हेड में भी स्प्रिट लेवल होता है और हमारे प्रोटेक्टर हेड में भी स्प्रिट लेवल लगा होता है, तो स्प्रिट लेवल से हम हॉरिजॉन्टल सरफेस चेक कर सकते हैं किसके माध्यम से, स्प्रिट लेवल, तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, स्प्रिट लेवल। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।